Hello everyone, welcome to my channel. I am Vivi Dogra, solutionologist, numerologist and astrologer. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राशियों के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। यह साल आपका कैसा गुजरेगा आप अपने राशियों में जाकर देख सकते हैं। हमें लाइफ में खुशहाली लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ छोटे छोटे उपाय करने होते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे राहत पा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मेष और वृषभ राशि के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिथुन और कर्क राशि के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। मिथुन राशि यह चक्र की तीसरी राशि है। ये द्वि स्वभाव की राशि होती है। इनका स्वभाव कभी पल में कभी माशा हो जाता है, कभी तोला हो जाता है। इनके स्वभाव को जल्दी हम पहचान नहीं पाते हैं। ये पल में गुस्सा हो जाएंगे, पल में मान जाएंगे, ऐसा है। ये काफ़ी स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। ये प्रेम प्रसंग भी इनका काफ़ी चर्चा में रहता है। रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि सामने वाले का दिल बहुत जल्दी जीत लेते हैं। और सामने वाले व्यक्ति को कैसे खुश रखना है इस राशि को बहुत अच्छी तरह पता होता है। और लोगों में मिलनसार स्वभाव इनका काफ़ी चर्चा में रहता है। समाज में इन्हें मान प्रतिष्ठान काफ़ी कुछ मिलता है, क्योंकि इनकी राशि ही ऐसी है। यह चुनौतियों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। इनकी राशि बुध ग्रह होने के कारण इनकी भाषा शैली बहुत ही अच्छी होती है। करियर में ये साल इनका अच्छा जाने वाला है, लेकिन इनको अपने ऊपर बहुत ही फोकस करना होगा। और जो भी ये कार्य करेंगे उस पे इनको पूरी अच्छी तरह समर्पित होंगे, उसके बाद ही ये इनका करियर ये साल ज़्यादा अच्छा जाएगा। दसम भाव का गुरु आपके भाग्य में है, महीने के शुरुआत से ही है, इसलिए इस साल आपका भाग्य में वृद्धि हो सकती है और आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। जनवरी महीने में आपको विदेश से अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, इसलिए प्रपोजल आप एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद थोड़े बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए उस महीने में थोड़ी सावधानी बरतें। यदि कोई बिजनेस आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं जनवरी से लेकर मई तक कोशिश ना करें स्टार्ट करने की। जो भी आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है वो आप जून के बाद ही स्टार्ट करेंगे तो ही आपको यश मिल सकता है। और हर चीज़ जैसे आपको कोई निर्णय लेना है, कुछ जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। और जो भी निर्णय लोगे आपकी फैमिली के जो बड़े हैं उनसे बात करके, उनसे एडवाइस लेकर ही आप बिजनेस में आगे बढ़ें। यदि आप जॉब में हैं, जॉब में भी आपकी अच्छी प्रमोशन के चांसेस हैं, आपको अच्छे नए प्रपोजल और आ सकते हैं। इसलिए जॉब में भी जाते समय आप अपने माता पिता की पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर जॉब में जाएं, क्योंकि प्रमोशन के आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक माहौल, इस साल आप पारिवारिक माहौल में काफ़ी समय बिताएंगे। जितना समय आप अपने परिवार के साथ गुजारेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक माहौल इस साल आपके लिए पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। आपके फैमिली में कुछ अच्छे फंक्शंस भी, बड़े फंक्शंस हो सकते हैं। जितना समय आप फैमिली के साथ बिताओगे आप उनके और करीब जाओगे और एक दूसरे को जानने का और ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। आपकी फैमिली में यदि कोई बच्चा जनवरी टू फरवरी मार्च तक बाहर विदेश जाने की सोच रहा है, बहुत ही अच्छा योग है, उन्हें वहाँ शिक्षा के लिए आप भेज सकते हैं। यदि कोई बच्चा मैरिज के लायक हो गया है कि उसकी शादी करनी है तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। आप उसकी शादी के लिए कोशिश कर सकते हैं और रिश्ते भी अच्छे आएंगे। हेल्थ के लिए इस साल आपको ज़रा सावधानी बरतनी होगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहें आप। हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अप्रैल के बाद आपको हेल्थ के मामले में राहत मिलेगी, लेकिन जनवरी टू अप्रैल आपको सावधानियां बरतनी होगी। कुछ बड़ी चोट लगने की ज़्यादा चांसेस हैं। और क्रोध पर काबू रखिए। क्रोध पर यदि काबू नहीं रखा आपने, जो आपको अच्छे प्रपोजल आने वाले हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। आप अपने हाथों से ही अपना नुकसान ना करें, इसलिए क्रोध को शांत रखें। और जो भी सोचें विचारें वो अच्छे से सोच विचार कर ही आप
क्रोध पे काबू पा सकते हैं, वरना गुस्से में क्रोध में आकर जो भी निर्णय लोगे परेशानियां आपको ही बढ़ सकती है और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपको मेडिटेशन योगा ये खास करना है और समय समय पर डॉक्टर से आप जानकारी लेते रहें। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर करें। रेमेडीज में आप जिनका बिजनेस है उन्होंने साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का चीनी मिट्टी का वास रखना है। जो जॉब में है उनके लिए उन्हें हल्दी की गांठ लेनी है, अक्खी गांठ लेनी है, वो येलो कपड़े में रैप करके वो आपको बैग में रखना है। इससे आपकी जो जॉब में है वो परेशानी कम आएगी और आपको प्रमोशन मिलेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि चौथी राशि है। कर्क राशि के लोग काफ़ी संवेदनशील होते हैं, ये अपनी फैमिली के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं, ये फैमिली से इतने अटैच्ड होते हैं कि ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाते हैं। फैमिली जैसे उनकी जान है, जैसे उनका जन्म हुआ है सिर्फ परिवार के लिए ही हुआ है। ये पूरे आत्मसम्मान से पूरे इंटरनली जैसे हम सामने वाले को प्यार करते हैं पूरी तरह अपनी फैमिली पे समर्पित रहते हैं। जैसे इनका जन्म ही सिर्फ फैमिली के लिए हुआ है। बहुत भावुक स्वभाव के होते हैं, संवेदनशील होते हैं, लेकिन इस साल आप बच के रहिए क्योंकि इस साल आपके साथ थोड़ा विश्वासघात हो सकता है और उस विश्वासघात से आपको बहुत ही दुख होगा। इसलिए ये साल लोगों पे ज़्यादा विश्वास ना करें। जो भी विश्वासघात करेगा आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है और आपके ऑफिस में भी हो सकता है। इस बातों पर विशेष ध्यान रखें आप। इस साल करियर के लिए आपको मिला जुला परिणाम ही मिल सकता है, लेकिन काम पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा वरना परिणाम आपके थोड़े और खराब आ सकते हैं। जो भी करना है आपको मेहनत से ही करना है, बिना मेहनत किए इस साल आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ऑफिस में ना करते हुए काम पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करें क्योंकि ऑफिस से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये साल पूरा आपका बैलेंस ही रहने वाला है और जो नौकरी में है उनके प्रगति के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आपको शायद ये साल प्रमोशन भी मिल सकता है। जो भी वर्क करें ध्यान से करें। इस साल पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। माता जी आपका विशेष ख्याल रखेगी, माता के प्रति आपका बहुत ही मोह होगा, लेकिन जून के बाद आपको बच्चों की ज़्यादा परेशानी थोड़ी सामने आएगी। उस महीने आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग आपको पूरे वर्ष मिलता रहेगा, आपके लाइफ पार्टनर का भी आपका आपके साथ सहयोग बना रहेगा, आप एक दूसरे का तालमेल जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बाहर के लोग आके आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा इस बात पर ध्यान रखें कि जो तीसरा व्यक्ति अगर आपकी फैमिली में आ रहा है, आपके फैमिली में जैसे परिवार भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी आपके परिवार का माहौल खराब थोड़ा कर सकता है, इसलिए थोड़ा ऐसे लोगों से थोड़ा दो कदम दूर ही रहें। हेल्थ से रिलेटेड आपको इस साल थोड़ी परेशानियां हो सकती है, इसलिए खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना है। समय समय पर आपको योगा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल थोड़ा आप माहौल जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है या ठंड पड़ रही है, मौसम के चेंज होने की वजह से आपके हेल्थ में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए आप सावधानी बरतें। रेमेडी के लिए जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभ करने के लिए आप दूध में गंगा जल, घी, शक्कर, मिश्री ये सब डाल के आपको रुद्राभिषेक करना है। इससे आपका साल बहुत ही अच्छा जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है उस पर गौर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जाकर आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो लाभ आप ले रहे हैं ये लाभ उनको भी प्राप्त हो। वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू सून।